अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। भाई लोग क्या हाल है। तो आज हम लोग चल रहे हैं सराय बीदा, जो पूरा एकदम पहाड़ी इलाका है और सऊदी का जो है एकदम खंडर एरिया है, मतलब बोले तो गांव एरिया एरिया है, पूरा ठंडा ठंडा है। कहीं भी जाओगे तो ठंडा उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये आबहा में जो आओगे इधर मतलब सराय बीदा साइड, वो आपको मिलेगा ठंडा ठंडा, एकदम जॉकेट पहनना पड़ता है अभी गर्मी के मौसम में भी ठंडा उधर। तो चलते हैं, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और लाइक शेयर जरूर करना। तो ये अभी देख लो, हम चल रहे हैं अभी मदीना अस्करी रोड पे। तो भाई कहाँ जा रहे हैं हम लाइसेंस लाने, हम ये है अबीदा। अब गाड़ी चलाओ। और ये भाई का उधर लाइसेंस बनाए थे रुक्सा, तो रुक्सा बन गया, वो लेने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई को रास्ता नहीं पता था, इसलिए हमको भी लेके जा रहे हैं, हम भी बैठे थे खाली, तो बोले चलो घूम के आएंगे। तो देख सकते हो ये सब, फिर मिलते हैं जो कहाँ कहाँ हम लोग कैसा कैसा रोड। तो हम लोग भैया पहुँच गए अभी मदीना अस्करी, जो ये इसका नाम जो है, ये तरीक का नाम है, मतलब ये रोड का नाम है मदीना अस्करी, ठीक है, नजरान रोड। तो ये नजरान रोड पे हम लोग जाते हैं उसके बाद में, और इंशाल्लाह इधर से सीधा अमन बॉर्डर जाता रास्ता, लेकिन हम अमन बॉर्डर नहीं जाएंगे भाई, नजरान रोड जा रहे हैं, हम जाएंगे सराय बीदा, ठीक है। और मिलते हैं वीडियो में। थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग, ये हम पहुंच गए अहद अफीदा पहुंचे हैं, उसके बाद में यहाँ से देख लो नहा दिया है। तो भैया हम लोग आ गए जो है सराय अफीदा वाले रोड पे, एकदम यहाँ पर जो है पहाड़ी एकदम देखो, पहाड़ी स्टार्ट हो गया है। ये गाड़ी का फोटो निकालना था, वीडियो बनाएंगे। ये देखो भैया लैंड क्रूजर जा रही है सऊदी अरब से, इंडिया जाने वाली है, ठीक है। इधर कोई वैल्यू नहीं है भाई, 2 करोड़ 3 करोड़ का गाड़ी जो है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो पहाड़, गुजरात तक बनाऊंगा। ये 110 का स्पीड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई आ रहे हैं, हम पहुँचने वाले हैं, ठीक है, सराय अभी तक पहुँचने वाले। किधर हो? ठीक है ठीक है, बिरयानी बना के रखना, ठीक है, आ रहे हैं। बन गया, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह, चलो अच्छी बात है, हम बस 15-20 मिनट में पहुँच रहे हैं, ठीक है। पहले हम जाएंगे मदरसा। 110 का स्पीड है, लेकिन देखो बंदा कितना स्पीड जा रहा है, ठीक है। ये हम भगा देते हैं भैया, कैमरा वमरा जो सऊदी लोग रहते हैं वो कैमरा वमरा को नहीं सोचते, उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ है ना, हम लोग को नहीं मालूम रहता है, क्योंकि वो लोग दिन और रात चलते रहते हैं ना ये रोड पर, तो उन लोग को मालूम रहता है। मैं आपको दिखाऊँगा कैमरा अगर लगा रहेगा तो, मैं दिखाऊँगा कि ये कैमरा है। देख सकते हो भैया कैमरा जो है, ये देखो डब्बा रखा, यही कैमरा है स्पीड का, ठीक है। सट से खींच लेता हूँ, इतना तगड़ा खींचता है ना, अगर रात में खींचेगा तो पूरा क्लियर इतना क्वालिटी वीडियो फूट हुआ आता है नंबर का, कि मुझे, मैं एक बार खींचा चुका हूँ ना भाई, मक्का से मदीना वाले रोड पे 140 का स्पीड है, तो उधर 150 का स्पीड चला दिया था रात का, शायद 11 या 12 बज रहा, पूरा अंधेरा था, इतना क्लियर फोटो आया था ना, वैसा डीएसएलआर नहीं आएगा। अच्छा हाँ, देखो रोड जंगल में पहाड़ी पे घर बनाया है।
अभी हम लोग खमीस मुसाइद में चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग एंट्री मारेंगे यहाँ से सराबीदा। ये स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, ये स्टेट चेंज हो गया। अब हम लोग घुस गए सराबीदा। इधर एक झंडा लगा था यार, निकाल दिया, उधर रखा था। इधर लाके सब खाना वाना खाना वाना फेंकते हैं, इधर खाने के लिए सब लोग खाते हैं। पहाड़ी, ये देखो भैया पहाड़। ये देखो कैमरा आ रहा है ना, ये सीट बेल्ट का और मोबाइल का भैया। अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल कर लो ना, तो इंडिया 11,000 फाइन खटाक से 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। रोड पे कैसे जा रही है पीछे भी, इंशाल्लाह। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए सराबीदा, ठीक है, एकदम पूरा एंट्री मार दिया सराबीदा। अब यहाँ से जाना है हम लोग को RTO ऑफिस, जहाँ हम लोग का लाइसेंस बना है, वहाँ लाइसेंस लेना है भाई का, फिर उसके बाद फिर वापस रिटर्न चले जाना है। ऐसे कोई ख़ास सिटी नहीं है सराबीदा, लेकिन फिर भी अच्छा सिटी है ये। यहाँ पर ठंडा मौसम रहता ज़्यादातर, बादल देख सकते हो पूरा एकदम ठंडा ठंडा बादल है पूरा। देखो भैया, नूर भैया पांडा के पास हम आए हैं, देखो, ठीक है, रेड गेट। और इधर से हम लोग यमीन जाते थे पहले, मेरा मैडम का घर। इधर का नहीं बना बोल रहे, पहुंच गए हम लोग मदरसा, ठीक है। और अब हम लोग जाएंगे अंदर, उसके बाद में लेंगे उसका फिर दिखाते हैं। ये गाड़ी खड़ा कर दी भैया, भाई साहब आ रहे हैं जो अपने पाकिस्तान का डॉन है, ठीक है, चल रहे हैं। फाइनली दोस्त देखो पहुंच गए हम RTO ऑफिस। ये RTO ऑफिस है, लेकिन वहाँ RTO ऑफिस ये है। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये हमारा ट्रेनिंग होता है, तो जिसके साथ में है साथ वाला सिस्टम नहीं होगा, साथ ही होगा जो जिसका काम हो ही जाए। चलो ठीक है, बस वीडियो बनाते बनाते हमें लोग को भूख लग गया, भैया को भूख लग गया और हमें भी भूख लग गया, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक केक ले लूँ और ठंडा उंडा पी लूँ कुछ, क्योंकि 9 × 18 यानी 180 किलोमीटर हम लोग चलाए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बनता है भाई खाने के लिए ना, तो अब ले लिए हैं और पीते हैं, खिलाते हैं, दिखाते हैं। देखो भैया जला वाला केक लिए एकदम पूरा, ठीक है, कमज़ोर है लेकिन है बहुत बढ़िया। अब एक जूस लिए हम मैंगो का। तो भैया जो है पहुंच गए हम अपने रूम के पास, सराबीदा का वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, देख लिए होंगे कैसा लगा। और क्या है ना, कहीं जाने को नहीं मिलता है भैया, इसलिए वीडियो ट्यू नहीं बनावते हैं, ठीक है। अब वीडियो ट्यू जब बनाओ कहाँ से, कि जब कहीं जाओ घूमो अच्छे से तो ड्यूटी ट्यू लगता ही ना है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो भैया वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है यार, बहुत लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए बिन दाऊद के पास।